हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आ गया है इस साल का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्योहार और त्योहार चाहे दिवाली हो चाहे होली हो गुजिया तो बनती है इसके बिना त्योहार अधूरा और फीका फीका सा लगता है तो ये गुजिया कोई घर में बनाता है तो कोई बनी हुई मार्केट से लेकर आता है तो आज हम बना रहे हैं ये गुजिया घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल मार्केट की तरह तो इसके लिए मैंने मावा लिया है मार्केट वाला और साथ ही ले लिया थोड़े से ड्राई फ्रूट्स तो सभी चीजें मैं इसमें आपको मेजर करके दिखाऊंगी और फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी कि गुजिया कितनी बनके के तैयार होगी तो गैस फ्लेम चालू करके सबसे पहले हम मावा को गर्म कर लेंगे मैंने इसे रात में गर्म करके रखा था लेकिन फिर से मुझे फ्रिज में रखना पड़ा मैं रात में नहीं बना पाई थी तो मैं दिन में बना रही हूँ तो इसे फिर से एक बार गर्म कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज में रखने से ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था तो इसे इस टाइप से गर्म कर लिया है और दो बार गर्म कर चुकी हूँ इसे तो इसलिए इसका थोड़ा सा ना कलर चेंज हो गया इसलिए इसका कलर मेंटेन करने के लिए मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी तो देखिए कलर थोड़ा सा डार्क हुआ है इसका इसलिए मैं इसमें एक कप दूध डाल रही हूँ और इससे थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे इससे जो मावा का जो कलर है ना एकदम व्हाइट हो जाएगा और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल मावा जैसा ही बन जाएगा बिल्कुल भी कुछ भी खराब नहीं होगा देखिए थोड़ी देर मीडियम और लो फ्लेम पर इसे चलाते रहना है जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक इसे चलाना है तो ज्यादा घी नहीं बस हल्का हल्का सा देखिए कढ़ाई छोड़ दिया है मतलब ये मावा हमारा फाइनली रेडी है मैंने मार्केट वाला मावा यूज किया आप चाहे तो घर पर मलाई से जो मावा बनाते हैं आप घर के लिए अगर गुजिया बनाना चाह रहे हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं और मावा बनाने की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है तो अब ये मावा गर्म कर लिया अब इसे ठंडा करना है कढ़ाई गर्म में इसे थोड़ा सा चलाते रहे ताकि ये जले ना या फिर किसी दूसरे बर्तन में निकाल के भी आप इसे ठंडा कर सकते हैं और अब ये ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं तो काजू को इस टाइप से बारीक बारीक कट कर लेना मतलब एक काजू में से तीन से चार टुकड़े ही करना है इससे ज्यादा नहीं तो ये काजू कट कर लिए साथ में ये किशमिश ले लिए और जो बादाम बचा है ना बादाम थोड़ा हार्ड होता है इसे काटना मुश्किल है तो इसके लिए सबसे अच्छा ये कटर बहुत ही आसानी से कट जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और देखिए जैसा चाहे आप वैसा काट सकते हैं क्योंकि इसके साथ होती है तीन ब्लेड्स जिससे आप बादाम की या काजू की मन चाहे कतरन के तैयार कर सकते हैं बारीक काटनी है थोड़ी बड़ी काटनी है जैसी चाहे वैसी तो देखिए आसानी से कट गया है बहुत ही यूजफुल है ये और आप कर लेते हैं मैदा वेट तो 250 ग्राम मैदा लेंगे हम ये देखिए मशीन से वेट करके ले रही हूँ मैं सभी आइटम तो ये ढाई ग्राम मैदा लिया मैदा कभी भी यूज करें इसे छली में हमेशा छान यूज करें, करें। चाहे आप मठरी बनाए चाहे कोई भी चीज बनाए और इसके साथ ही ना मेरे पास मठरी का ऑर्डर भी था तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ थोड़ा सा ये आइटम ऐड कर लिया जाए अगर पसंद आया तो इसका ऑर्डर आ सकता है तो मैंने ना क्या किया जितनी मैदा बची थी पूरी मैदा ले ली मतलब ढाई ग्राम से ऊपर ही ये मैदा है तो टोटल मिला के ना आधा किलो मैदा हो गई है और यहाँ पर ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला था कि जो मेरा रेगुलर मटेरियल चलता है उसके साथ मैं कुछ नया ऐड करके दे सकती हूँ ये आधा किलो मैदा हो गया है और थोड़ा सा इसमें दो पिंच के आसपास नमक डाला और दो पिंच के आसपास इसमें मीठा सोडा ऐड किया साथ में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल और ऑयल होगा तीन से चार टेबल स्पून के आसपास और आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं बस मोन का आपको खास ध्यान रखना है तभी एकदम खस्ता और क्रिस्पी वाली गुजिया बनके तैयार होगी तो ऑयल डालने के बाद मैदे की जो ना दोनों हाथ से अच्छे से मालिश करनी एक हाथ से इस टाइप से करेंगे तो सही से मौन नहीं लगेगा तो देखिए इस टाइप से आप इसकी अच्छे से मालिश कर दीजिए इसका मौन बहुत ही अच्छा लग के तैयार होगा तो देखिए अब मैं मुट्ठी बना के दिखा और ये मैदा कितने अच्छे से समेट के आ गया है और अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हमें अच्छे से आटा गूंथ लेना है अच्छे से से मतलब है सॉफ्ट आटा गूंथना है ज्यादा हार्ड नहीं करना है और पानी थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है कि अगर गीला हो गया तो फिर से मैदा इसमें ऐड करना पड़ेगा और अब थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके इसके ऊपर पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे इसको और साथ ही इसके जो पलिटन के लिए थोड़ा सा मैदा बचाया था मैंने वो रख दिया इसको ढक के हम रखेंगे साइड में अब करते हैं बाकी की तैयारी तो ये देखिए खोआ जो था गर्म करके रखा था अच्छे से ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो गया देखिए और खोआ को वेट कर लेते हैं तो मैंने तीन सौ ग्राम खोआ लिया है आधा किलो मैदा है और ये तीस ग्राम किशमिश उसी के ऊपर मैंने तीस ग्राम काजू ऐड कर दिए बारीक कटे हुए और हर चीज मैं आपको वेट करके दिखा रही हूं और साथ में तीस ग्राम ही हमने जो बादाम की कतरन थी वो ले लिए और साथ में शुगर पाउडर तो तीन सौ ग्राम खोआ है उसमें डेढ़ सौ ग्राम शुगर पाउडर हम लेंगे और ये एकदम परफेक्ट मीठा हो जाएगा तो ये सभी चीजें अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है शकर पाउडर लेना है और शकर पाउडर करके उसे मिक्सर में ग्राइंड करके छान के ही यूज करें क्योंकि शकर के दाने रह जाते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अब इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई इलायची आप चाहे तो इलायची पाउडर जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं मैंने कूट के इलायची इसमें ऐड कर दिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए इतने ड्राई फ्रूट्स ना एकदम सफिसियंट हैं मतलब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं कम नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी अब इसको रखते हैं हम साइड में तो देखिए ये मटेरियल तैयार हो गया खोआ का और ना अगर आप कोई ऑर्डर बना रहे हैं तो उसके साथ बहुत ही अच्छा मतलब ये सीजन होता है फेस्टिवल वाला आप कुछ नया ऐड करिए अगर लोगों को पसंद आएगा ना तो आपके पास जरूर उसका ऑर्डर आएगा और मेरे पास ऑलरेडी मठरी का ऑर्डर था तो ये मैं उसी के साथ देने के लिए बना रही थी मठरी मैं रात में बनाती हूँ ऑलवेज और ये गुजिया मैं दिन में बना के रख रही हूँ तो ये देखिए इस टाइप से ना बड़ी सी लोई लेके इसको बड़ी सी रोटी बेल लेनी है क्योंकि अगर आप घर के लिए बना रहे हैं थोड़ा बहुत बना रहे हो तो आप छोटी छोटी पूड़िया बेल के बना सकते हैं इसे पर मुझे बहुत ज्यादा बनानी थी तो मैं सबसे अच्छा तरीका यही है एक मोटी सी रोटी बनाती हूँ ज्यादा पतली नहीं बनानी क्योंकि हम ये गुजिया हाथ से कूथने वाली बना रहे हैं और इस टाइप का एक साइज ले लाना है सभी गुज एक बराबर साइज की बनकर तैयार हो जाए तो ये पूड़िया काट काट के रख लेनी है और आप मेरी चंद्रकला की वीडियो देख सकते हैं उसमें भी मैंने ढेर सारी चंद्रकला बनाई है और उनको भी मैंने इसी टाइप से कट करके रखा था बस ये गुजिया है और वो चंद्रकला थी अब थोड़ा सा पानी लगाकर इनको भरते जाना है इसके अंदर एयर ना बने इस बात का ध्यान रखें तो ये देखिए किनारे इस टाइप से दबाएं इसके अंदर एयर ना रहे और अच्छे से इसको पानी लगा के इस टाइप से चिपका देनी है और उसके बाद चिमटी जैसे हम किसी चिमटी लगाते हैं ना उस टाइप से इसको इस टाइप से टर्न करते हुए दबाते जाना बहुत ही आसान है बहुत ही आसानी से बन जाती है और जब हम सांचे से बनाते हैं ना उससे ज्यादा और आ, मतलब देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है तो ये देखिए अच्छी सी गुजिया बन तैयार हो गई है

और फिर आराम से बैठ के मैं सारी की सारी गुजा इस टाइप से हाथ से ही बना के तैयार कर लेती हूँ और काफी सारे लोग ना मुझसे प्राइस पूछते हैं कि आप इनका प्राइस कैसे रखते हैं तो देखिए प्राइस ना जगह के हिसाब से और मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से बदलता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर आटा आपको कम का मिलता है तो आपके जो आटे वाले आइटम आप बनाते हैं उनकी कॉस्ट आपकी थोड़ी कम रहेगी लेकिन जैसे मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ यहाँ पर वही आटा हमें बहुत ज्यादा महंगा मिलता है मतलब पंद्रह रुपए ऊपर मिलता है तो अगर मैं आटे का कोई आइटम बना के सेल करती तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी अलग रहेगी तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू मटेरियल ना कॉस्ट वेरी करती है इसलिए मैं डायरेक्टली प्राइस काफी बताती नहीं अगर आपको प्राइस जानना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए मैं आपको प्राइस बता दूंगी आपको जिस भी चीज़ के प्राइस जानना है आप उसका नाम बता दीजिए बस जैसे कि मैं मठरी मेरा जो मेन ऑर्डर रहता है मठरी का रहता है जो चाट पपली है उसका रहता है एक रोल मठरी मैं पहले बनाती थी वो मैंने अभी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको बनाने में मैंने पहले उसके लगभग काफी सारे ऑर्डर बनाए लगभग पंद्रह से बीस बीस किलो मैंने ऑर्डर उसके बनाए बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको बनाने में और फिर सेकने में भी अब आते हैं हमारी गुजिया की तरफ तो गुजिया को सेकते टाइम खास ध्यान रखना है इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है और कढ़ाई में जो आसपास का थोड़ा सा मैदा होता है या कभी गुजिया फूट जाती है अगर वो उसमें बिखर जाती है तो डरना नहीं है उस गुजिया को निकाल के साइड में रख दीजिए और छलनी से इस टाइप से ऑयल को साफ करके फिर से आप उसी ऑयल में गुजिया सेक सकते हैं मतलब अगर गुजिया कभी गलती से फूट जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी ना डरना है आप उसे सेपरेट कर दीजिए और ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए बहुत ही अच्छे से आपकी सभी की सभी गुजिया बन तैयार हो जाएगी और सेकते टाइम खास ध्यान रखना है मैं बार बार बता रही हूँ इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही से हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना सेकें क्योंकि इसको जो क्रिस्पीनेस होती है ना इसमें और जो करारापन आता है वो इसको लो फ्लेम पर सेकने पर ही आता है तो ये थोड़ी थोड़ी करके ना हमारी सभी गुजिया सीख के तैयार हो गई थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है पर गुजिया ना हमारी एकदम परफेक्ट मार्केट वाली तैयार हो जाती है तो ये देखिए सभी की सभी गुजिया सीख गई हैं अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पर तो अब ले लेते हैं शकर चाशनी बनाने के लिए तो दो कटोरी शकर लिए और सेम कटोरी से एक कटोरी इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे शक्कर को पहले और चासनी आप जो गीली वाली गुजिया मिलती है मार्केट में आप उस टाइप की भी बना सकते हैं घर पर मैं थोड़ा सा इसको ड्राई रखूंगी तो जो इलायची हमने कूट कर डाली थी उसके जो छिलके बचे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए साथ में सेप्रॉन येलो लिक्विड कलर जो होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं पर इससे ना कलर काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि चीज़ें ना थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में तभी लोग उसे लेते हैं और खाना भी पसंद करते हैं तो ये केसर फूड कलर और सेफ्रॉन आपके लिए ऑप्शनल है डालना हो तो डालिए नहीं तो रहने दीजिए और ये चाशनी मैं आपको बताती हूँ देखिए गीली वाली अगर गुजिया बनानी है ना तो ये चाशनी इसके लिए परफेक्ट है आप इस चाशनी में इसको डिप कर दीजिए गुजिया को तो आपकी गीली वाली गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी मैं ऐसे थोड़ा सा टाइट करूंगी चाशनी को देखिए तब ये चाशनी चम्मच से नीचे गिर रही है तो ये ठंडी होने के बाद देखिए धागा जैसा इसका खींचेगा इस टाइप की हम चाशनी बनाएंगे इससे जो गुजिया है ना मैं पैक करूंगी तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी चिपचिपाएगी नहीं है पॉलीथिन से तो इस टाइप की चाशनी मैं बनाकर तैयार कर रही दूंगी इसके लिए ये चासनी तैयार गई है फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और गुजिए में ना हम एक होल करेंगे टूथपिक जो होती है उसकी हेल्प से एक कॉर्नर पर करना है बिल्कुल और इसको इसमें ऐड करते जाना है आप चाहे तो बिना होल कर भी डाल सकते हैं पर इससे ना चाशनी इसमें अंदर तक भर जाएगी इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा और जो मावा अंदर है जो हमने किसी शकर डाली है वो भी हल्की सी से मेल्ट हो जाती है जिससे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये गुजिया ना गर्म गर्म खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो जब मैं बना रही थी ना तो वेट मैं बाद में कर पाई थी उसके पहले ही बनाते बनाते लगभग छह से सात गुजिया खत्म हो चुकी थी क्योंकि मैं गर्म गर्म चाशनी से निकाल के रख रही थी और इधर सब लोग घर में खाना चालू थे तो ये देखिए अच्छे से इसमें चाशनी भर गई है अब एक छारे में इसको ले लेना है ताकि एक्स्ट्रा चाशनी इसके नीचे निकल जाए और ये हमारी गुजियों का बैच जो है फर्स्ट बैच चाशनी से निकल गया है धीरे धीरे करके सभी को इसी टाइप से कर लेना है फ्लेम को मीडियम रखना है होल्ड करते जाना एक टूथपिक की मदद से या फिर फॉग स्पून ले सकते हैं आप उससे भी इसमें होल्ड कर सकते हैं और सभी को इस टाइप से डिप करना है पांच मिनट के लिए इनको डिप छोड़ना है इसी में अगर लगता है आपको कि चाशनी टाइट हो गई है ज्यादा तो आप थोड़ा सा इसमें बीच में पानी ऐड कर दें और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए ना सारी की सारी गुजिया को चाशनी से निकाल लें जैसे कि ये देखिए मेरी सारी की सारी गुजिया चाशनी से मैंने निकाल ली है ये तो गुजिया तैयार हो गई घर के लिए लेकिन अगर हमें इसे सेल करना है तो थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव लुक तो देना पड़ेगा ताकि लोग इन्हें पसंद करें टेस्ट तो लाजवाब है पर देखने में भी थोड़ा लोग देखते हैं कि चीजें कैसी लग रही है देखने में तो ये ड्राई फ्रूट्स की कतरन ले लिए पिस्ता काजू बादाम तीनों के मिक्स किए मैंने और इसके ऊपर जब चाशनी मतलब सूखे ना एकदम गुजिया थोड़ी गीली गीली रहे तभी इनके ऊपर इनको स्प्रेड कर देना है साथ में थोड़े से केसर के धागे रखना है और रोज पेटल्स हैं तो आप उन्हें सुखा के रखिए या फिर ड्राई रोज पेटल्स जो थी मार्केट में मिलती है आप लेकर आइए और इस टाइप से सभी गुजियों को अच्छे से सजा दीजिए घर में कोई मेहमान आएगा ना आप उन्हें भी सर्व करेंगे तो एकदम मार्केट वाली लगेगी और अगर सिल्वर वर्क है तो आप इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी गुजिया बनकर तैयार हो गई है टेस्ट तो लाजवाब है ही साथ में देखने में भी बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रही है और ये गुजिया मैंने बनाई है कुछ तो घर के लिए साथ ही कुछ है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्योंकि अगर एक के साथ एक फ्री का ऑफर होना तो हम जिसके लिए पे करते हैं उसके लिए उतना खुश नहीं होते जो चीज हमें फ्री साथ में मिलती है उसके लिए उतना ज्यादा हम खुश होते हैं तो ये गुजिया तैयार हो गई है मैं ये मठरी पैक करती हूँ इन डब्बों में एक जगह यहाँ स्टैंडर्ड पैकिंग मांगते हैं थोड़ा सा तो उसके लिए इसमें पैक करती हूँ तो ये मेरे पास दो डब्बे रखे थे तो, तो मैं आपको इसमें पैक करके दिखाती हूँ तो एक डब्बे के अंदर आराम से चार गुजिया बन जाती है और ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री में दे रही हूँ मतलब ये जो ऑर्डर है उसके साथ मैं फ्री दे रही हूँ अगर उनको ये पसंद आया तो शायद जो आने वाली दिवाली है या आने वाली होली है उसका ऑर्डर मेरे पास इसके लिए आ जाए तो ये ऐसे आइटम होते हैं ना जो हमेशा लोग नहीं खाते लेकिन त्यौहार पर लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है इन सभी आइटम्स की तो एक बहुत अच्छा मौका होता है फेस्टिवल टाइम पर कि आप थोड़ा थोड़ा आप इनको क्योंकि बिजनेस में एक टर्म्स होती है आर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो तभी थोड़ा रिटर्न आता है तो इसको फॉलो करते हुए इस नियम को फॉलो करते हुए थोड़ा तो हमें Uh, कुछ आइटम फ्री भी देना होता है ताकि uh, क्योंकि बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चार गुजिया इसमें बन गई हैं और ये uh, फ्री है जो ऑर्डर है उसके साथ के लिए और बाकी ये देखिए और गुजिया बची हुई है तो उतने मटेरियल में ना मेरी एक किलो से ज़्यादा गुजिया बनके तैयार हुई थी जिसमें से मैंने ये दो डब्बे हटा दिए और जो बाकी की गुजिया बची है ना मैं जो पॉलीथीन पैकिंग करती हूँ जो बाकी के मटेरियल के ऑर्डर है ना उनके साथ में पॉलीथीन पैकिंग में एक एक उनको दूंगी अगर उनको पसंद आया तो ये दिवाली का ऑर्डर तो पक्का है मिल ही जाएगा तो ये देखिए बहुत सारी गुजिया बची हुई है चलिए अब हम पैकिंग करते हैं इसकी और ये पैकिंग का काम जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं नहीं करती हूँ पैकिंग मशीन से काम क्योंकि मुझे डर लगता है इससे करने में जो स्टैंडर्ड पैकिंग है ये भी कुछ ऑर्डर के साथ जाएगी और साथ में जो पॉली पैकिंग है ना कुछ ऑर्डर्स के साथ ये जाएगी छोटे छोटे ऑर्डर है उनके साथ तो... मैंने तो ये अपने ऑर्डर के लिए बनाई है लेकिन आप इन गुजिया को एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए इस फेस्टिवल पर और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी और हाँ वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अब मैं आपको वेट करके दिखा रही हूँ गुजिया कितनी बनी थी उतने मटेरियल में एक किलो के आसपास मेरी ये गुजिया बनकर तैयार हुई थी चाशनी में मैंने इन्हें डिप नहीं किया ऑयल से निकाला था तभी मैंने इन्हें वेट किया था तो वेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ एक किलो ये गुजिया है पूरी ये तो बन गई है मेरी कॉम्प्लीमेंट्री वाली गुर्जिया और आप इन्हें इस त्योहार घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी गुर्जिया कैसी बनी और इसके साथ ही आप सभी को बाय बाय और साथ ही शुभ दीपावली